हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे गुलाब, मोगरा, मिर्ची या एसिडिक मिट्टी लविंग प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खाद जो हमें घर के किचन में ही मिल जाती है। गुलाब हो या मोगरा या फिर मिर्ची, इन पौधों को एसिडिक मिट्टी बहुत ही अच्छी लगती है। एसिडिक मिट्टी यानी जिसका पीएच लेवल 0 से 6 के बीच में हो। पीएच 0 यानी सबसे अधिक एसिडिक मिट्टी, पीएच 7 यानी न्यूट्रल और पीएच 14 यानी अल्कलाइन। मिट्टी की एसिडिटी को यानी 6.5 से 7 बढ़ाने में सहायता करता है तो वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हमारे चाय छानने के बाद जो बच जाती है यानी यूज्ड टी लीव। चाय की पत्ती को थोड़ा पानी में धो ले, जब तक आपको पानी साफ न निकलता दिखे इसे धोना ही चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चाय में दूध, शक्कर इत्यादि मिला होता है और डायरेक्ट चाय की पत्ती को इस्तेमाल करने से मिट्टी में फंगस लग सकता है। धोने के बाद चाय की पत्ती अच्छे से सुखा ले। मैं चाय की पत्ती को रोज पानी से धोकर यहाँ इस प्लेट में जमा कर देती हूँ। वह दिन भर सूख जाती है। चाय की पत्ती में टैनिक एसिड होता है जो कि सॉइल में पानी के साथ मिलकर डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी को पीएच कम करने में मदद करता है, यानी मिट्टी की एसिडिटी को बढ़ा देता है। अगर आपकी मिट्टी की पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो 7 से कम कर देगा। यूज चाय की पत्ती को अपने पौधों के आजू बाजू स्प्रिंकल कर दें, जैसे टमाटर या गुलाब के पौधे। यूज चाय की पत्ती में वो सभी तत्व यानी एनपीके मौजूद है जो पौधों के लिए एक बेहद ज़रूरी है। इसमें और भी कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। हम टी बैग्स जो चाय बनाने के बाद बच जाते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन टी बैग्स को कंपोस्टिंग में भी डाल सकते हैं और कंपोस्ट तैयार होने के बाद हम ये टी बैग सीधे पौधों के आजू बाजू मिट्टी में गाड़ सकते हैं। चाय की पत्ती या टी बैग्स कंपोस्ट में नाइट्रोजन से भरपूर कंपोनेंट्स को मिलाता है। कार्बन रिच मटेरियल को बैलेंस करने में यूज चाय की पत्ती डालने से पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है। चाय की पत्ती वह जैविक पदार्थ है जो मिट्टी की संरचना को बदल देता है, मिट्टी की ड्रेनेज सिस्टम को बढ़ाता है। पौधों की जड़ों के लिए यह मिट्टी में एरिएशन में मदद करता है और मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, चाय की पत्ती फेंके नहीं, उसे ज़रूर अपने गार्डन में इस्तेमाल करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। शेयर करें अपने दोस्तों से। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।